नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची और हमारे साथ बैठे हुए नरसिंह चरण प्रधान भैया जो कर रहे हैं अपना पीएचडी फ्रॉम एनआईटी तिरची। हेलो लेकर आ गए हम लोग आपके सामने बहुत ही जबरदस्त वीडियो, क्योंकि हमने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी हम लेकर आने वाले हैं पीएचडी में क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं आफ्टर पीएचडी कंप्लीट करने के बाद। सबको पता है बीटेक करने के बाद क्या होता है, जॉब मिलती है, प्लेसमेंट होता है। सेम एमटेक के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं या फिर आप जॉब ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या ये पता है कि पीएचडी के पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है और वो अपॉर्चुनिटीज में क्या फायदा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एमटेक करने के बाद अगर जो आप जॉब ले रहे हो उससे भी बहुत ज्यादा बेहतरीन जॉब आपको पीएचडी के बाद मिल सकती है। तो आज हम जानेंगे भैया से वो सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो भैया से पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया बताइए एक एक करके हम लोगों को अपॉर्चुनिटी। गाइस, अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत बढ़िया ऑफर अलर्ट। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फ्री मिलने वाला है। ये जो ऑफर है ये 11th फेब तक ही है, मतलब ये ऑफर कल तक ही है। तो अगर आप बैच लेने का सोच रहे हैं 2023-2024 के लिए तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ अगर आप एक साल का भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का यहाँ पर कोर्स फ्री मिलता है। यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आने वाला है गेट 2022 के लिए एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है कि 5 फेब और 6 फेब को पेपर हो चुका है, उसकी एनालिसिस आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो अनअकैडमी पर जाकर देख लीजिए। इसके साथ साथ 12 और 13 को सिविल और मैकेनिकल की भी एनालिसिस आएगी, जहां पर टॉप फैकल्टी यहां पर गेट के पेपर को एनालाइज करेंगे और आप लोगों को बताएंगे सॉल्यूशन। यहां पर अनअकैडमी लेकर आया है 1-on-1 लाइव मेंटोरशिप सेशन। यहां पर क्या करना है, अनअकैडमी में लॉगिन करना है, 1-on-1 मेंटोरशिप टैब पे जाना है, सेशन चूज करो, कन्वीनियंट टाइम चूज करो और अपने मेंटोर से बात करो जाकर। गेट एंड ईएससी का एक कॉम्बैट आ रहा है अनअकैडमी की तरफ से। अगर आप 2023 में गेट का पेपर लिखने वाले हैं और आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के चक्कर में हैं तो आप पहले क्या करिए, आप इसको दीजिए 60 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपकी रैंक 1-3 आती है तो आपको 100% फ्री कोर्स मिल जाएगा। 4-10 के बीच में आती है तो 75%, 11-50 में 50, 51-100 में 25%। और आप में से मेरा कोड इसके साथ यूज करेंगे सेट 1-2-3-3-4 तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 10% का प्लस ऑफर मिल जाएगा। कई सारी अपॉर्चुनिटी है जैसे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे आप प्रोफेसर की बात करें तो कहीं प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपको प्रोफेसर बनना है जी, तो आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। बिल्कुल, आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट प्रोफेसर बन सकते हो। अच्छा भैया, तो जैसे हम लोग प्रोफेसर बन सकते हैं पीएचडी डिग्री के बाद, तो हमने पहले ही पीएचडी के बहुत सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लिया है, तो भैया आप बता सकते हैं प्रोफेसर में हमें मतलब पहली पोजीशन क्या मिलती है, उसको बनते कैसे, थोड़ा सा अगर आप बेसिक्स बता सकते हैं, और यहाँ पर हमें क्या जो इनकम होगा या पैसे मिलेंगे वो कितने मिलते हैं, थोड़ा सा अगर आप बेसिक आइडिया दे सकते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग कहीं प्रोफेसर बनना चाहते हो तो कहीं आईआईटी एनआईटी या सेंट्रल, तो पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में एप्लीकेशन भरवाना होगा। ठीक है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी की डिग्री तो मैंडेटरी है। बिल्कुल, तभी जाके आप शॉर्टलिस्ट हो गए फिर इंटरव्यू। और जो पैसे मिलते हैं, पैसे इन हैंड बताओ तो आपको 80-90,000 मिलता है। ओके, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर उसके बाद प्रमोशन होता जाता होगा। हाँ, प्रमोशन जैसे बहुत सारे क्राइटेरिया मतलब फॉलो होता है प्रमोशन होने के, जैसे जर्नल पॉइंट, कॉन्फ्रेंस पॉइंट, फिर आपका प्रोजेक्ट पॉइंट, तो बहुत सारे वो क्राइटेरिया फॉलो होता है। इसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं आफ्टर 5-6 ईयर, देन फिर एसोसिएट के बाद फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर के बाद प्रोफेसर इन एचएजी स्केल एक होती है एचएजी। हाँ, तो पहली अपॉर्चुनिटी आती है हमारे सामने प्रोफेसर, जिसमें आप पीएचडी कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट 80-90,000 रुपीज कमा सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो टॉप क्लास प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे प्रोफेसर्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ये पीएचडी के बाद। भैया आप बात करते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटी। सेकंड अपॉर्चुनिटी है R&D लैब इन इंडिया, जैसे DRDO, ISRO, भाभा एटॉमिक रिसर्च एंड समिट एंड ECIL, मतलब इसके साथ भी बहुत सारी भी R&D लैब्स होंगी। तो भैया जैसे ये जैसे R&D लैब है, जैसे इसरो की तो हमारे लिए भी आता है बीटेक एमटेक में, तो मतलब ये पोजीशन क्या देते हैं और यहाँ पर मतलब हमें बाद में जो सैलरी मिलता है वो कितना मिलता है और इसके लिए मिनिमम जो प्रोसेस क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। जैसे आप DRDO की बात करें तो बीटेक के बाद आपके पास गेट की स्कोर होनी चाहिए, तो आप पोजीशन साइंटिस्ट बी में आप बी ज्वाइन करते हो, राइट। बट आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आप डायरेक्टली एक लैटरल एंट्री होती है, लैटरल एंट्री आप डायरेक्टली साइंटिस्ट डी में ज्वाइन कर सकते हो, मतलब डी बड़ा होता है बी। हाँ, साइंटिस्ट बी, जैसे आप DRDO में बात करें तो साइंटिस्ट बी से शुरू होती है, BCDEFGH आउटस्टैंडिंग। ओके, आप ISRO की बात करें तो स्टार्टिंग होती है सी से, डिफरेंस बिटवीन इसरो एंड DRDO स्टार्टिंग विद बी, DRDO स्टार्टिंग विद सी इसरो। तो भैया ने जैसे बताया कि साइंटिस्ट बी सी डी इनका ग्रेड का डिफरेंस बताया कि बीटेक के बाद आपको क्या मिलता है और आपको पीएचडी के बाद क्या मिलता है। तो भैया से पूछते हैं
अब जैसे कि डीआरडीओ में निकलता है तो वैकेंसी किस टाइप से निकलती है और हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं? से आप डीआरडीओ आरएसी एक वेबसाइट है, ठीक है, डीआरडीओ आरएसी जी, तो वहाँ आप जाके लैटरल एंट्री का ऑप्शन आएगा साइंटिस्ट डी के लिए, मतलब हमेशा नहीं आता है, जैसे 2-3 साल में बहुत पोस्ट बहुत कम रहती है। ओके, तो जैसे 10-15 पोस्ट एक पर्टिकुलर लैब के लिए आएगा, जैसे डीआरडीओ आईटीआर चांदीपुर, ठीक है, डीआरडीओ एलआरडी डीआरडीओ पर्टिकुलर लैब के लिए आएगा, या 2-3 पोस्ट एक लैब के लिए, तो आप वहाँ जाके फिर आपको अप्लाई करना है, इंटरव्यू वगैरह देना है। डायरेक्ट इंटरव्यू बुलाएंगे तो उस मतलब वो पीएचडी की डिग्री पे बुलाते हैं कि उसमें भी गेट स्कोर वगैरह कुछ लगता? नहीं नहीं, गेट स्कोर जरूरत नहीं है, बस आपके पास पीएचडी डिग्री हो ये मैटर करते हैं, आपके पास जो काफी मतलब अच्छा जर्नल होनी चाहिए, जैसे Q1 जर्नल, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये जो जर्नल्स होते हैं और जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके लिए हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एमटेक डिग्री के लिए भी और पीएचडी डिग्री के लिए भी। भैया से हम सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे सारे जर्नल्स के बारे में। तो भैया यहाँ पर जो सैलरी मिलती है हमें आरएनडी लैब्स में, वो क्या सैलरी मिलती है अप्रोक्सीमेट? सैलरी अप्रोक्सीमेटली आप साइंटिस्ट डी में ज्वाइन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 1.2 लाख से 1.4 लाख। और जब लोग साइंटिस्ट बी में ज्वाइन करते हैं गेट के बाद तो 70-80,000। तो आप देख सकते हैं मतलब आपके पास पीएचडी है तो पीएचडी में आपने 4 साल नॉलेज को अर्न किया और आपकी सैलरी डायरेक्टली डबल हो जाती है। और लोग कहते हैं कि पीएचडी करके फायदे क्या है, मतलब मुझे लग रहा है कि पीएचडी करके होते हैं फायदे, हम लोगों को पता नहीं होते हैं। तो भैया से बात करते हैं, तीसरी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो क्या है? तीसरी अपॉर्चुनिटी है कि आप पोस्ट डॉक पोजीशन में जा सकते हो, पोस्ट डॉक में। तो मैंने ये सुना तो जरूर है भैया पोस्ट डॉक, लेकिन मैं पहले एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा कि पीएचडी में और पोस्ट डॉक में क्या डिफरेंस होता है? पीएचडी में तो समझ गए रिसर्च करते हैं हम रिसर्च पेपर देते हैं, पोस्ट डॉक क्या होता है? पोस्ट डॉक पीएचडी के बाद आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल कर सकते हो पोस्ट डॉक के लिए। बेसिकली रिसर्च के ऊपर आपको ध्यान देना होता है पोस्ट डॉक, मतलब और अच्छी डीप रिसर्च करनी होती है पोस्ट डॉक में। तो पहले तो आप ये बताइए भैया कि पोस्ट डॉक मैंने सुना है लोग फॉरेन से भी करते हैं और इंडिया से भी करते हैं, तो उन दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, और जो स्टाइपमेंट मिलता है हमें पोस्ट डॉक में वो क्या होता है और क्या पोस्ट डॉक करना चाहिए? या बिल्कुल पोस्ट डॉक करना चाहिए, आपको एकेडमिशियन बनना है कहीं आईआईटी में जाना है तो पोस्ट डॉक करना चाहिए, तो मतलब काफी बेनिफिट रहता है। जी जी जी, स्टाइपेंड की अगर बात करें तो इन इंडिया यू विल गेट एट मार्क्स 1 लाख पर मंथ, ओके, एंड ऑन एन एवरेज यू विल गेट 60-70,000 अप्रोक्सीमेटली। और फॉरेन में अगर हम बात करें, फॉरेन की बात करें तो मतलब काफी सारी स्कीम होती है, जैसे मेरी क्यूरी फेलोशिपी एंड लाइक इंस्टीट्यूट फेलोशिपी, बहुत सारी काफी सारी स्कीम होती है जी, डिपेंड अपॉन कंट्री। जैसे आप यूरोपियन कंट्री में कहीं पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो वहाँ मेरी क्यूरी फेलोशिपी है तो आपको अराउंड 6,000 यूरो मिलेगा पर मंथ। तो 6,000 यूरो मतलब अगर हम जोड़े तो 3-4 लाख, जो कि बहुत ज्यादा है मुझे ऐसा लगता है, तो मतलब आप काफी सारा पैसा बचा भी सकते हो और अपनी रिसर्च भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इंडिया में भी मैंने भैया ने जैसे बताया 60-70,000, और इंडिया में बहुत सारी फेलोशिप चलती होगी भैया? और इंडिया में जैसे आईआईसी बैंगलोर में रमन फेलोशिपी है, फिर इंडिया में अभी तक मुझे जहां तक नॉलेज है आईआईटी गांधीनगर, ओके, 1 लाख देते हैं पोस्ट डॉक के लिए, वो हाईएस्ट है अभी तक विदाउट एनी फेलोशिप। हाँ, मतलब आईआईटी गांधीनगर विदाउट एनी फेलोशिप आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, जहां बाकी आईआईटीज में आप मतलब फेलोशिप के साथ जाके एक्ट मैक्स आपको मिल सकता है, लेकिन फेलोशिप भी बहुत कम लोगों को मिलती होगी। अब भैया से बात करते हैं चौथी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है हमारे पीएचडी में? चौथी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टार्टअप। हाँ, जैसे आप कहीं एरिया में आपने कोई रिसर्च एरिया आपने 4-5 ईयर अपने काम किया है तो उस एरिया के ऊपर काफी सारा नॉलेज हो जाता है, मतलब आप अपना खुद का टेक्निकल स्टार्टअप रन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को पता है कि हम लोग पीएचडी में बहुत सारे जर्नल पेपर्स देते हैं, रिसर्च करते हैं, नहीं तो स्टार्टअप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया लगा। और आगे कोई भैया अपॉर्चुनिटी है क्या हमारे पास? जैसे आप जैसे कहीं आईआईटी या एनआईटी कहीं प्रीमियर इंस्टीट्यूट पीएचडी कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट है कि आप कैंपस प्लेसमेंट जाना है, तो काफी सारे आपको मेल आते रहता है कि ये प्लेसमेंट है, वो कंपनी है, ये कंपनी है, तो आप वहाँ कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हो, तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। बट मोस्टली मतलब बहुत लोग जो भी पीएचडी कर रहे हैं मोस्टली वो ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन कैंपस। तो जैसे भैया कैंपस प्लेसमेंट तो आता है, तो कैंपस प्लेसमेंट जनरली पोजीशन क्या लाता है? पोजीशन ये है कि बहुत सारे कैंपस कॉलेज है, जैसे बीट्स मिश्रा, वीआईटी वेलूर, प्राइवेट कॉलेज हो, मतलब उनमें आप मतलब एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे सैलरी आपका जैसे प्राइवेट में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 1.2 लाख अराउंड आपको सैलरी मिलती है, मतलब 1.2 लाख देंगे प्राइवेट कॉलेज वाले, अरे ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसके साथ भैया एक मतलब मैंने सुना है कि जिसे एमटेक को हायर करने बड़ी बड़ी आरएनडी कंपनीज आती है, तो क्या हम लोग भी पीएचडी वाले भी आरएनडी प्राइवेट में जा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, जैसे आपको कॉलकम हो गया, आरएफ इंजीनियर एक पोस्ट रहती है पोजीशन, ओके, तो वहाँ आप जा सकते हैं। और उसमें पेमेंट वगैरह क्या अप्रोक्सीमेशन? पेमेंट वगैरह अप्रोक्सीमेटली आपको जैसे पैकेज रहता है वहाँ 26-28 लाख, 26-28 लाख, दैट इज वेरी आल्सो हाई, मतलब। और इसके साथ कोई और अपॉर्चुनिटी है हमारे पास भैया?
लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं कहीं अब्रॉड में, आपको कहीं काम, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड में हूँ तो मुझे कहीं RF माइक्रोवेव में काम करना है, आना कोई चैम्बर भी है नहीं, मतलब कुछ टेस्टिंग वगैरह और जो भी काम करना है मुझे कोई RF माइक्रोवेव में, तो मुझे कहीं भी जाके रिसर्च एनालिस्ट बन सकता हूँ कहीं R&D लैब अब्रॉड में। तो ये रिसर्च एनालिस्ट क्या होता है, मतलब अगर आप इंडिया में बात करें तो? जैसे हमारा इंडिया में साइंटिस्ट मतलब पोजीशन होती है, सेम रिसर्च एनालिस्ट पोजीशन से अब्रॉड में जाएंगे तो टेक्निकल फेलो, रिसर्च एनालिस्ट, ऐसे काफी सारा मतलब पोजीशन होती है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। अच्छा, और वहाँ पे क्या जो पे मिलता है? पे डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, मतलब वेरी करता है, जैसे आप USA में रहें तो फिर मतलब एक्सपेंस भी ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर मनी। अब यूरोपियन कंट्री में डिपेंड करता है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, मतलब अगर ऑन एन एवरेज लेके चले तो इस पोजीशन के लिए 4-5 लाख विकेट, 4-5 लाख, दैट इज आल्सो वेरी, मतलब PhD का पैसा पैसा दिखने लगा है मुझे तो यार, जितना M.Tech के बाद भी नहीं दिख रहा है, मतलब भैया ना आगे चल के बहुत पैसा कमाने वाले, थोड़ा मुझे देते रहना, ठीक है, अपने भाई के छोटे भाई का याद रखना, ख्याल रखना। जोक्स अपार्ट, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जो सच में मुझे नहीं पता थी कि PhD के बाद आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आप लोग निराश मत होइए जिन्होंने अपने M.Tech को अच्छा नहीं कर पाया या अपने B.Tech को अच्छा नहीं कर पाया, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है PhD करने के बाद। तो अगर आपको रियल में PhD के लिए इंटरेस्ट है तो आप जाइए और वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करिए और बहुत आगे आप निकल सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को, हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटी कवर कर ली है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भी आपको डाउट है PhD से रिलेटेड भैया आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, और जो भैया की जो रिसर्च गेट की और लिंक्डइन वगैरह की जो लिंक्स है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो भैया से जाइए, बात करिए, गाइडेंस लीजिए, भैया बहुत अच्छा गाइड करते हैं, मुझे भी गाइड करते रहते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा सिद्धार्थ लाइव के साथ। नमस्कार।